एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीना है तो फीडबैक लीजिए अपने आप से। इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। रोज रात को सोने के पहले अपने आप से फीडबैक ले, अपने आप से पूछो, अपने आप से सवाल करो। और यदि आप फीडबैक लेते हो अपने आप से और उसके ऊपर फिर दूसरे दिन काम करते हो, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपका लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा। रोज रात को सोने के पहले काम क्या करना है, तो कुछ सवाल अपने आप से पूछो। पहला सवाल है, रोज मैं सवेरे उठता हूं तो मेरा उठने का मकसद क्या है, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। मैं सवेरे बेड पर से उठता हूं तो क्यों उठता हूं, क्या नींद अभी आना बंद हो गया, मतलब नींद खुल गई करके उठता हूं, कि काम पे जाना है करके उठता हूं, कि पत्नी चिल्लाएंगी करके उठता हूं, क्या सोते सोते थक गया करके उठता हूं, या कुछ मकसद मेरी जिंदगी का है कि वो पूरा करने के लिए एकदम जोश से उठता हूं मेरे बेड पर। तो यह है पहला सवाल, क्यों उठता हूं रोज सवेरे बेड पर से। दूसरा सवाल यह है, कल्पना करो कि आज के 3 साल बाद आप वहां खड़े हैं, 3 साल बाद अपने लाइफ में खड़े हैं और आप पीछे मुड़ के देखते हो तो अपने लाइफ में क्या क्या घटित हुआ ऐसा आपको लगता है कि जिसको देख के आपको लगेगा यार मजा आ गया। तो क्या क्या ऐसा होना चाहिए ऐसा आपको लगता है, वो आपके पास में लिस्ट बनाओ और वो रोज देखो कि उसके तरफ मैंने कुछ अगला कदम उठाया कि नहीं उठाया। तो 3 साल बाद का पिक्चर रोज देखो कि क्या क्या हुआ ऐसा मुझे लगेगा, जो देख के मुझे ऐसा लगेगा कि भाई मजा आ गया जिंदगी में। यह दूसरा सवाल। फिर तीसरा सवाल है कि मैंने आज का दिन किस तरह से जिया, क्या वो मेरे लक्ष्य की ओर लेके जाने वाला था या नहीं। क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे आइटम जिंदगी में रहते हैं कि मैं वो फालतू का टाइम पास करूंगा, कुछ ना कुछ ऐसा काम करूंगा कि जो मेरे लक्ष्य की ओर लेके जाने वाला नहीं था। बहुत सारा टाइम फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर टाइम पास, चुगली करना। क्या मैंने आज का जो दिन बिताया मेरे लक्ष्य की ओर लेके जाने वाला था या नहीं। चौथा, मैंने आज कौन सी नई बात सीखा, क्या मैंने आज कंप्यूटर का कुछ प्रोग्रामिंग सीखा, क्या मैंने कुछ नई लैंग्वेज के लिए कुछ नया सीखा, नई लैंग्वेज सीखा, क्या मैंने कुछ नॉलेज एक्वायर किया, क्या नई बात मैंने आज सीखी दिन भर में। पांचवा सवाल है, आज मैंने कौन सी ऐसी गलती किया कि जो मैंने करना नहीं चाहिए थी, ऐसी कौन सी 2 गलतियां किया मैंने कि जो मैंने करना नहीं चाहिए थी। देखो गलतियों से हम सीखते हैं, ऐसा बोला जाता है कि लोग गलतियों से भी सीखते नहीं, लोग हम मतलब इंसान ऐसा है कि अपने खुद से गलतियों से सीखना समय अपना आयुष्य जो है ना, लाइफ जो है ना, बहुत कम है। अपने गलतियों से सीखो, मगर कुछ लोग ऐसे है कि अपनी गलतियों से भी सीखते नहीं है। गलतियों से नहीं सीखना मूर्खता है। गलतियों से सीखना ठीक लक्षण है कि अपने गलतियों से सीखो, मगर जो बुद्धिमान आदमी रहता है ना वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो वो देखो कि मैंने कौन सी गलतियां किया कि जो मैंने दोबारा नहीं करनी चाहिए थी। ये पांचवा सवाल। छठवा है कि आज मैंने ऐसे कौन से 2 काम किए जो मैंने पूरे लगन से किए, पूरे लगन से 100% मैंने मेरे काम में दिया पूरा। सातवां सवाल, क्या ऐसे कौन से 2 काम हैं कि जो मैं कर सकता था मैंने नहीं किया। हो सकता था कि मैं आज कोई किताब पढ़ सकता था, कोई नॉलेज अक्वायर कर सकता था, ऐसे 2 कोई भी काम है, या कंप्यूटर सीख सकता था, या किसी को बातचीत कर सकता था, रिलेशनशिप के लिए कुछ काम कर सकता था, या कोई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना सकता था, कुछ भी ऐसा जो मैंने नहीं किया, जो कर सकता हूं मगर मैंने नहीं किया, ऐसे कौन से। तो ऐसे 7 सवाल के जवाब आप खुद से खुद देते हो, खुद का खुद फीडबैक लेते हो और वहां से दूसरे दिन का प्लानिंग करते हो। देखो आपकी लाइफ पावरफुल हो जाएगी, वंडरफुल हो जाएगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।